हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केटू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। आई होप आप सभी ने पुराने लेक्चर्स अच्छे से रीड करे हैं, और अगर आपको पसंद आए हैं तो आप प्लीज उनको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हम उसी चैप्टर का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है हमारे पास कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। So our today's topic is the discussion about the conductance in electrolytic solutions. ठीक है, so आज का हमारा topic of discussion यही रहेगा। और इसको स्टार्ट करने से पहले हमें जितने भी हमने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, जो इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उनको स्टडी करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये जो स्टडी ऑफ डिस्कशन स्टार्ट होगा, उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, एंड दैट वर्ड इज रेफर टू एज द कंडक्टेंस। और दूसरा इम्पोर्टेंट वर्ड जो है हमारे पास, दैट इज द वर्ड इलेक्ट्रोलिटिक। वहीं पर अगर मैं फर्दर देखूं तो इलेक्ट्रोलिटिक जो वर्ड है, ये आया है हमारे वर्ड इलेक्ट्रोलाइट से। पहले समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रो वर्ड आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी से, और ये एक ऐसा केमिकल स्पीशीज होता है जो डिसोसिएट करता है इनटू इट डिफरेंट आयंस, डिसोसिएट इन आयंस व्हेन डिसॉल्वड इन और प्रिपेयर्ड व्हेन इन एक्वस फेज। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा केमिकल स्पीशीज है जो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस का मतलब क्या है? अगर हमारे पास NaCl है तो NaCl डिसोसिएट होगा एज Na प्लस और Cl माइनस। वहीं पे अगर मैं बात करूं CaCl2 की, तो वो डिसोसिएट होगा इनटू Ca2 प्लस और 2Cl माइनस आयंस। उसी तरीके से हमारे पास और भी डिफरेंट तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे कि हमारे पास है अपना एसिटिक एसिड, वो डिसोसिएट होगा CH3CO माइनस और H प्लस। तो कोई भी ऐसा स्पीशीज, जब आपने उसको एक्वस फेज में उसको आप लेकर आ गए हैं, या आपने उसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया है, सॉल्यूशन प्रिपेयर होने के बाद वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, तो ऐसे केमिकल स्पीशीज को हम डिफाइन करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Obviously, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली प्रोड्यूस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज आयंस। तो जब ये आयंस प्रिपेयर हो जाएंगे तो ये आयंस मूव करेंगे, और इनके मूवमेंट से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। सो इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे पास, वो इसी तरीके का एक सब्सटेंस होता है। अब पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल मैंशन किए हैं, तो मैंने यहाँ पर अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं। अब इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू स्पेसिफिक कैटेगरीज। सो वो जो दो स्पेसिफिक कैटेगरीज है, उनमें एक इलेक्ट्रोलाइट आती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और वहीं पे इसकी एक दूसरी इलेक्ट्रोलाइट्स आती है जिनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे पास, ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं जो डिसोसिएट हो जाती हैं कंप्लीटली, दे डिसोसिएट कंप्लीटली इन सॉल्यूशन। यानी कि सपोज कीजिए आपने एक एक्स सब्सटेंस लिया है, और एक्स सब्सटेंस अपने वाटर में मिलाने के बाद वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, कोई भी पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या कोई भी पोर्शन ऑफ दिस एक्स इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बचता नहीं है, इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वहीं पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो वो डिसोसिएट होते हैं पार्शियली, डिसोसिएट
पार्शियली, पार्शियली वर्ड का मतलब है इन फ्रैक्शंस, यानी धीरे धीरे वो डिसोसिएट होंगे, ऐसा नहीं कि वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जैसे कि हम अगर बात करते हैं NaCl की, सो NaCl जो है वो डिसोसिएट होगा एज Na प्लस और Cl माइनस। तो अगर आपने इनिशियली इसका 1 या 100% है इसका, तो जब डिसोसिएशन होगा तो ये 50 हो सकता है, ये भी 50 हो सकता है, ये 60% हो सकता है, ये 40% हो सकता है, ये 40% हो सकता है, ये 60%, यानी कि ये दोनों का जो परसेंटेज है आयंस का वो कितने भी रेशियो में हो, लेकिन जो ये एक्स सब्सटेंस है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो आफ्टर द रिएक्शन जो है वो 0% ही बचेगा। ऐसे टाइप के इलेक्ट्रोलाइट को हम डिफाइन करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए। अब डिसोसिएट होने के बाद वो 2 आयंस बनाए, वो 3 आयन बनाए, डिपेंडिंग अपॉन उसका जो नेचर। वहीं पे अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करती हूँ, लेट अस टेक CH3COOH, व्हिच इज डिफाइंड एज एसिटिक एसिड, अ वेरी फेमस एग्जाम्पल। और इस एसिटिक एसिड को हम विनेगर भी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, कॉमन वर्ड। तो एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट होता है, सो इट डिसोसिएट्स इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब है कि अगर इनिशियली आपने एसिटिक एसिड का 100% लिया है, या लेट अस से इसका 1 मोल है, तो इनिशियली हमारे पास जो आयंस कॉरेस्पॉन्डिंग है इसके, वो दोनों की परसेंटेज 0 होगी। अगर टाइम टी तक हम इस रिएक्शन को लेकर जाते हैं, तो कुछ परसेंटेज जो है वो हमारा एसिटिक एसिड कम हो जाएगा 1 में से, और उतना ही परसेंटेज जो है हमारा ये दोनों आयंस जो है वो बन जाएंगे। और ये जो हमने ये जो वर्ड लिखा है, जो सबस्क्रिप्ट मेंशन किया है, दिस सबस्क्रिप्ट इज कॉल्ड एज अल्फा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी कुछ ऐसी इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं जो हमारे रिएक्शन के दौरान धीरे धीरे, यानी इन पार्ट्स जो है वो डिसोसिएट होती रहती है। जैसे कि इस पार्ट का मतलब क्या है कि 1 माइनस अल्फा जो है अमाउंट एसिटिक एसिड का, ये बचा हुआ है टाइम टी, कंप्लीटली वो 0 नहीं हो गया। सो उस टाइप की इलेक्ट्रोलाइट्स को ही हम डिफाइन करते हैं एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। और इन दोनों की तरफ से, या इन दोनों तरीके से हम दोनों टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टडी कर पाते हैं, या इनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अब पॉइंट ये आता है दैट हाउ आर दीज इलेक्ट्रोलाइट्स लिंक्ड विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोलाइट जो है, हमने कहा कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट हेल्प्स अस टू डिफाइन हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। बेसिकली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है बाय रेडॉक्स, या एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये स्टोरी है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस होने की वजह से एक कंडक्टिविटी आती है। नाउ व्हाट इज कंडक्टिविटी, वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। जब आपका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, लेट अस टेक आपने एक एक्स सॉल्यूशन बनाया है, अननोन है वो, किसी भी टाइप के सब्सटेंस का हो सकता है, लेकिन जब आपने इससे एक सर्किट को कनेक्ट कर दिया, या एक आपने बैटरी कनेक्ट कर दी है, या आपने एक पूरा सेल प्रिपेयर करने की कोशिश करी है, तो हमने ये देखा कि ये जो पूरा का पूरा सर्किट है ये कंप्लीट हो रहा है व्हेन इट इज केप्ट इन दिस एक्स सॉल्यूशन। अब इस एक्स सॉल्यूशन में आपने बैटरी कनेक्ट करी, आपने सर्किट कंप्लीट किया, और ये सर्किट से जैसे ही, अगर आपने यहाँ सपोज कीजिए एक बल्ब भी आपने यहाँ पर अटैच कर दिया है अपने इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अक्रॉस, तो ऑब्वियसली वो बल्ब जो है हमारा वो ग्लो हो जाएगा, और बल्ब के ग्लो होते ही हमें ये इंडिकेट हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास ये कंडक्टिव है, ये बल्ब आपका ग्लो हो जाएगा। अब जो भी कोई ये सॉल्यूशन था यहाँ पर, दिस एक्स सॉल्यूशन, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा नेचर है कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही है, और जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इसको हम कहेंगे कि ये एक कंडक्टर है।
कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाती है। और जब ये कंडक्टर है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होगी जिसको हम बोल देते हैं कंडक्टेंस, और इसी कंडक्टेंस का खेल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। यानी जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म टू डिस्कस इज द वर्ड कंडक्टेंस, ठीक है? यानी कि कंडक्टेंस इज नथिंग, अ सिंपल टर्म दैट डिफाइंस अस द एबिलिटी ऑफ करंट टू फ्लो। यानी एक सॉल्यूशन से या किसी भी एक सब्सटेंस से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसी प्रॉपर्टी को हम या उसी टर्म को हम डिफाइन करते हैं एज दी कंडक्टेंस, और इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज दी ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस यानी किसी भी चीज से रुकना, किसी भी चीज को रोकना। जैसे कि आपके पास जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते हैं क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। उसी तरीके से कंडक्टर्स जो हैं वो इनके ऑपोजिट टर्म्स हैं जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो करने देते हैं थ्रू दी देयर। सो ऑल दी कंडक्टर्स हैव दी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं एक कैपिटल जी से। दिस इज हाउ वी डिफाइन द टर्म कंडक्टेंस, ठीक है? और क्योंकि हमने कंडक्टेंस को डिफाइन किया है एज इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस, हेंस कंडक्टेंस कैन बी डिफाइन एज वन अपॉन आर। इनवर्स हो जाएगा वो रेजिस्टेंस का, इसीलिए आर जो है वो रेजिस्टेंस है एंड जी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस। सो दिस इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द कंडक्टेंस एज वेल एज द रेजिस्टेंस। और अगर हम यूनिट की बात करते हैं कंडक्टेंस की, सो द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स, ऑल्सो कॉल्ड एज मो। दैट मीन्स इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल और द इनवर्स ऑफ ओम, ठीक है? सो ये एक तरीके से हमारे पास एक रिलेशनशिप हो गया है बिटवीन द कंडक्टेंस एंड द रेजिस्टेंस। अब पॉइंट ये आता है कि सपोज कीजिए आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है, और उस सॉल्यूशन आपको एक सॉल्यूशन गिवन है कंटेनर के अंदर, और इस कंटेनर का आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, और यहाँ पर आपने जो भी कोई दो इलेक्ट्रोलाइट्स लगाई हैं या आपने जो भी दो कोई इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी आपको मेंशन है एज एल। यानी कि अब आपको जो क्वेश्चन है वो फॉल करा दिया है इनटू द कैटेगरी ऑफ द एरिया एज वेल एज द लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो अगर हम इस कंडक्टेंस के फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देंगे इन डिफरेंट टर्म्स, तो हम कैसे लिख सकते हैं? वी हैव अ फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, व्हिच इज द लॉ दैट वी हैव स्टडीड इन आवर लोअर क्लासेस। ओम्स लॉ ये कहता है कि आपके पास वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है करंट के, जिसकी वजह से एक ओम्स लॉ बनता है वी इज इक्वल टू आई आर, जिसमें कि हम आर जो हमारा डिफाइन होता है दैट इज डिफाइंड एज रो एल बाय ए, ठीक है? यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो आपका बेसिकली एक प्रॉपर्टी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है लेंथ के, और आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है एरिया के। इसको बेसिकली इस तरीके से लेकर आए कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, डायरेक्टली है लेंथ। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कॉन्स्टेंट आता है विच इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, ठीक है? ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी फिजिक्स के बैकग्राउंड की है, बट यहाँ पर भी हम इसे अप्लाई कर रहे हैं टू डिफाइन दी कंडक्टेंस टर्म, इसीलिए हमें पढ़ना जरूरी है। अब अगर हम अपने रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को, इस वैल्यू को हम बेसिकली अपने कंडक्टेंस के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमें एक और
रिलेशनशिप मिल जाता है बिटवीन द कंडक्टेंस एंड इन टर्म्स ऑफ द लेंथ एज वेल एज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. यानी अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लेंथ ऑफ द एरिया गिवन है या फिर आपको डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स गिवन है, तब भी आप इस क्वेश्चन को अपने न्यूमेरिकल को अप्रोच कर सकते हैं. तो ये आ जाता है हमारे पास द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टेंस एज वेल एज द एरिया एंड द रेजिस्टिविटी. सो ये हमें इस तरीके से मिल जाता है रिलेशनशिप दैट जी इज इक्वल टू वन अपॉन रो एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए बाय एन. ठीक है, ये एक आगे. अब इसमें ही मैं एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर देती हूँ जो कि हमारी वन अपॉन रो के फॉर्म में है और साथ में हमारे पास है एल बाय ए. नाउ दिस टर्म एल बाय ए इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एज द सेल कॉन्स्टेंट. सेल कॉन्स्टेंट का मतलब है कि आपके पास जो भी कोई एक पर्टिकुलर सेल है उस सेल की अपनी एक लिमिटेशन है इन टर्म्स ऑफ द लेंथ एज वेल एज द इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस. जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पर देखा था कि अगर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया है और हमने एक सेल प्रिपेयर किया है तो सेल का यानी कि इन जो इलेक्ट्रोड्स हैं इन इलेक्ट्रोड्स का अपना एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ए ले लिया और इन इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी एल होगा. तो अगर आपने एक सेल प्रिपेयर किया है तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो आपके लिए कॉन्स्टेंट आ जाती है विच इज डिफाइंड एज द सेल कॉन्स्टेंट. तो कोई भी सेल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस सेल के लिए ये वैल्यू जो है वो फिक्स होती है और इस वैल्यू को हम इंडिकेट करते हैं जी स्टार से. यानी वन अपॉन रो जी स्टार इज डिफाइंड एज द सेल कॉन्स्टेंट. ठीक है, और रही बात हमारे सेल कॉन्स्टेंट की यूनिट की, तो उसको हम लिख सकते हैं एज लेंथ की यूनिट. अगर हम डायमेंशन एनालिसिस करें तो लेंथ की यूनिट हो जाती है हमारे पास मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया जो है वो हमारे पास मीटर स्क्वायर हो जाता है. कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये मिल जाएगा आपके पास मीटर इनवर्स. ठीक है, ये आ गया हमारे पास यूनिट फॉर द सेल कॉन्स्टेंट. कंडक्टेंस की यूनिट अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस कर ली थी विच इज द मो इनवर्स. ठीक है, अब सवाल ये आता है कि आपके पास जो कंडक्टर्स हैं या जो हमने बेसिकली जो भी कोई सोल्यूशन डिफाइन कर दिया जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो कंडक्टर है और उसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं कंडक्टर्स. लेट अस जस्ट समराइज दिस होल टॉपिक इन जस्ट वन लाइन इज व्हाट कि कंडक्टर्स वो होते हैं दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और इसी इलेक्ट्रिसिटी के पास होने या करंट के फ्लो होने की प्रॉपर्टी को हम कह रहे हैं कंडक्टेंस, जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं जी से. और कंडक्टेंस इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये थी हमारी एक शॉर्टकट में स्टोरी कि हमारे को कंडक्टेंस स्टडी करना क्यों जरूरी है. अब सवाल ये आता है कि जब हम कंडक्टर्स कंडक्टर्स वर्ड बार बार डिफाइन कर रहे हैं तो कंडक्टर्स जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं उनको तो हमने बोल दिया. अब इनको हमने फर्दर और दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रो केमिस्ट्री टर्म्स. और वो दो कैटेगरीज हैं हमारे पास, एक है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और जो दूसरी हमारे पास है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स वो हैं विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन. यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स या कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि एज इट इज इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं. जैसे कि आपने एक मेटल ले लिया है आयरन. सो आयरन की ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है कि ये एक मेटल है और मेटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएगा और ये कहलाएगा एक कंडक्टर. तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो अपने आप उनके पास एक इनहेरिटेड स्ट्रक्चर होता है कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए. जैसे सेल है,
आपने एक सेल लेकर आए हैं आप मार्केट से, या आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइट लेकर आए, तो उनकी एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है या कॉपर वायर लेकर आए कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ही होगी, आपने कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिसोसिएट हो जाएं या उनको डिकम्पोज किया जाए, जैसे कि आपके पास एक सोल्यूशन है, हमने समझ लिया लेटेस्ट एक NaCl का है, या आप सपोज करिए HCl का सोल्यूशन आपने लिया है, तो जैसे ही आप इस HCl को पानी में मिला देंगे, पानी में मिलाते ही क्या करेगा, डिसोसिएट होगा। कैसे करेगा ये एक बनाएगा हाइड्रोनियम आयन और एक देगा Cl- आयन, और नहीं तो कुछ नहीं, तो ये H+ बनाए और ये Cl-। तो हुआ क्या, जैसे ही आपने इसको पानी में मिलाया, ये क्या करा, ये डिकम्पोज हुआ। डिकम्पोज करें या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि डिसोसिएट हुआ, और ये डिसोसिएट होने की वजह से अब ये मूवमेंट करेंगे ये आयंस, और इन आयंस के मूवमेंट की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रूव या फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। और इसी तरीके की कंडक्टेंस को हम डिफाइन करते हैं एज आयनिक कंडक्टेंस, जो कंडक्टेंस आयंस की वजह से हुई उसको हम कहते हैं आयनिक कंडक्टेंस, यानी जिसका जैसा नेचर था वैसा नहीं रखा। NaCl या HCl या NaOH, किसी भी तरीके का अगर एक एसिड है या किसी भी तरीके का एक बेस है, तो उसकी ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं, आपने उसको पानी में मिलाया है, पानी में मिलाने के बाद वो डिसोसिएट हुआ, पानी नहीं, हम किसी भी तरीके का सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके बाद उसका एक सोल्यूशन प्रिपेयर होने की वजह से वो आयंस में डिसोसिएट हुआ है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। सो इस टाइप के कंडक्टर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, वेयर एज उन तरीके के कंडक्टर्स जिसके अंदर आपने किसी भी तरीके की कोई भी टाइप का डिकम्पोजिशन या किसी भी तरीके का डिसोसिएशन नहीं हुआ है, उस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स को हम डिफाइन करेंगे या कंडक्टर्स को हम डिफाइन करेंगे एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। सो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेस, या आई कैन कॉल इट एज कि वो प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। जबकि अगर आप अपने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से, इसलिए उनको बोल देते हैं उसमें प्रोड्यूस हो रही है आयनिक कंडक्टेंस। और इसकी जो कंडक्टेंस है उसको हम एज द नेम सजेस्ट उसको हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो इस चैप्टर के अंदर हमने दोनों ही तरीके की कंडक्टेंस जो है डिस्कस कर ली है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस हमने डिस्कस करी जब हमने रेडॉक्स रिएक्शन किया, रेडॉक्स रिएक्शन में यानी जब हमने अपना फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था एक सेल गैलरी से क्या करता था कि रेडॉक्स रिएक्शन होने की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। जबकि अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हम डिस्कशन कर रहे हैं सारा का सारा, हम ये भी डिस्कस किया जो कंडक्टेंस के बारे में, दैट इज अबाउट दी आयनिक कंडक्टेंस, जिसके अंदर आयंस मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और उसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एज दी कंडक्टेंस प्रॉपर्टी, विच इज नथिंग, इट इज जस्ट दी इनवर्स ऑफ दी रेजिस्टेंस। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, सारी की सारी प्रॉपर्टीज और सारे के सारे पॉइंट्स। बाकी अगर किसी को भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम या इश्यू होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि हम लोग आपकी क्वेरी सॉल्व कर सके, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक हो गया है, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सभी को समझ आया हो, तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।